नमस्कार दोस्तों, कांग्रेचुलेशन। हमारे इस चैनल ने 100 सब्सक्राइबर का जो पहला माइलस्टोन है वो आज एक महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने चैनल के लिए जो पहला 100 सब्सक्राइबर है वो जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रांसफर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आता हूं वो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, यूट्यूब पर जब भी कोई नया चैनल बनाता है तो उसके लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो अपने पहले 100 सब्सक्राइबर पाना। जी हाँ दोस्तों, पहला 100 सब्सक्राइबर पाना उसके लिए सबसे मुश्किल होता है। और उसके लिए जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो पहला 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। मैंने तो बहुत जल्दी पाया है, तो आशा करूंगा कि वो चीज़ आप भी अपनाएं तो आप भी बहुत जल्दी जो है सब्सक्राइबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कभी भी सब्स फॉर सब्स पर सब्सक्राइबर परचेज या व्यूअर परचेज के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। दोस्तों, इसके दो निगेटिव पॉइंट्स है। पहला चीज़ तो ये है कि अगर YouTube को पता चलता है कि आपने सब्स के थ्रू सब्सक्राइबर बनाए हैं या फिर सब्सक्राइबर परचेज किए हैं या व्यू बाई किए हैं, तो वो जो है आपका चैनल कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी बैन कर सकता है। और दूसरा जो है दोस्तों, कि जब भी आप कोई व्यूअर परचेज करते हैं, कोई सब्सक्राइबर परचेज करते हैं या सब्स फॉर सब्स के थ्रू जो है जो सब्सक्राइबर बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो कभी भी आपके वीडियो को व्यू नहीं करेंगे, कभी भी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या फायदा है दोस्तों कि अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर दिखेंगे लेकिन अब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको 2 या 4 ही व्यू मिलते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, आप जैसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि हालांकि जस्ट अभी मेरा चैनल 100 सब्सक्राइबर पहुंचा है, लेकिन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो इमीडिएटली वो जो है 1 या 2 दिन में ही व्यू जो है वो 200, 300, 3000 तक चली जाती है। तो इसके पीछे एक ही चीज़ है दोस्तों, कि जो है आप जो सब्सक्राइबर मैं जिनको टारगेट करता हूँ, जिन सब्सक्राइबर पाने की कोशिश करता हूँ, वो जेन्युइन होने चाहिए। तो ऑब्वियसली वो लोग जो है मेरे वीडियो को देखेंगे और जो है मेरा सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे वो लोग जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरा वीडियो पॉपुलर होगा और जो है नए लोगों तक पहुंचेगा और नए लोग भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप एकदम भी ध्यान में रखिए। दूसरी बात जो है, आप जिस कंटेंट को बना रहे हैं, आप जिस के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उस कंटेंट टाइप के और भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं और दूसरे बड़े यूट्यूबर हैं, उनके चैनल पर जाइए और देखिए कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों के आप जवाब दीजिए। उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो सवाल करते हैं, उनका सवाल का जवाब जिनका नहीं मिला होता है उनको आप सवाल का जवाब दीजिए। और उनसे उसके बदले में क्या होगा कि वो जो जिनका आप सवालों का जवाब देंगे, अगर उनको हेल्प होती है और जो जहाँ के जैसे मैंने बताया कि कंटेंट जो है वो सेम है, एक ही टाइप का कंटेंट, एक ही टाइप के आइडियाज पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो है आपके चैनल पे आएगा। अगर उसको आपको वीडियो पसंद आया तो वो उसे सब्सक्राइब करेगा। इसमें देखेंगे कि दोस्तों काफी जो है मुझे फायदा हुआ है, जो कि एक दिन में ही काफी सारे सब्सक्राइबर मैं बना पाया हूँ। एक ही दिन में 5-10 सब्सक्राइबर जो है वो मैं बना पाया था कुछ घंटे काम करके। तीसरी चीज दोस्तों ये कि आप अपने जो चैनल है उसके लेआउट, उसके ब्रांडिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका चैनल जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यूअर जब आपके चैनल पे आता है, आपके आपके वीडियोस को देखने के बाद आपके चैनल पे पहुंचता है और वहाँ कुछ अजीब टाइप का नज़ारा देखता है, ना जहाँ ना कोई आपका चैनल आर्ट होता है, ना कोई लोगो होती है, ना लेआउट ठीक ठाक रहता है, तो बेसिकली क्या है, ऑडियंस जो है वो सब्सक्राइब नहीं करता। हालांकि वो आपका वीडियो देख के आपके चैनल पर पहुंचा था, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करता क्योंकि वो आपका जो चैनल है थोड़ा सा जो है अनप्रोफेशनल दिखता है। तो इसलिए कुछ ऐसा प्रोफेशनल लेआउट में अपने चैनल को बनाइए, ताकि कोई भी व्यूअर जब आए तो आपके चैनल पहुंचने के बाद आपके सब्सक्राइब किए बिना जा नहीं पाए। थोड़ा प्रोफेशनल लुकिंग लेआउट डिजाइन कीजिए, ताकि जो है वो कोई भी व्यूअर आए और वो सब्सक्राइब जरूर करे। कंसिस्टेंसी पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो थोड़ा और जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि कंसिस्टेंटली मतलब दोस्तों, अगर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कब वीडियो डालेंगे। अगर आप डेली वीडियो डालते हैं तो डेली एक समय फिक्स कर लीजिए, उसी समय आप जो है वीडियो को पब्लिश कीजिए। अगर आप वीक में 2 दिन या 4 दिन या 1 दिन वीडियो अपलोड करते हैं तो आप वो दिन भी डिसाइड कर लीजिए, कि अगर आप एक दिन करते हैं तो एक दिन कोई भी डिसाइड कर लीजिए, लाइक मंडे या संडे, किसी एक दिन जो है वो आप डिसाइड कर लीजिए और उसी दिन और एक ही समय पर आप वीडियो अपलोड कीजिए। अगर वीक में आप 2 दिन 3 दिन करते हैं तो अपने हिसाब से जो फिक्स समय और फिक्स समय बनाइए, उसी समय जो है वीडियो को अपलोड कीजिए। इससे जो है वीडियो जो सही ऑडियंस के पास टाइम पर पहुंचता है और जो है ऑडियंस जो आपके वीडियो देख रहे हैं वो जब कंसिस्टेंटली 1 दिन 2 दिन आपके वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली 1 नहीं तो 2 दिन 3 दिन जो है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा अपने व्यूअर को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, यानी अपने वीडियो में आप बोलिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों सारे लोग जानते हैं कि YouTube में वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लोग ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन फिर भी आप जब कभी कोई वीडियो बना रहे हैं तो जो व्यूअर को आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो अगर वो भूल जाता है या फिर उसके दिमाग में असमंजस है वो सब्सक्राइब करे कि नहीं करे, तो आपके वीडियो देखने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत उसको अट्रैक्ट करता है सब्सक्राइब करने के लिए। तो इस तरह जो है व्यूअर को थोड़ा सा अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं सब्सक्राइबर बटन की तरफ और सब्सक्रिप्शन की तरफ, तो जो है वो काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो व्यूअर है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। तो दोस्तों इस तरह कुछ चीजें जो है मैंने फॉलो की और मेरे जो सब्सक्राइबर है वो एक महीने से भी कम में 100 सब्सक्राइबर हो गया और मुझे अपने चैनल का कस्टम यूआरएल भी मिल गया। तो आशा करता हूं कि आप भी जो इस पॉइंट कुछ पॉइंट्स को जो है अगर मान के चले तो आपके सब्सक्राइबर ही बहुत जल्दी जो है वो अच्छे जेन्युइन सब्सक्राइबर आप भी गेन कर पाएंगे और जो कि आपके चैनल को ग्रोथ करने में काफी मदद करेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, नीचे के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।